नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीएम आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के अखगांव पंचायत सरकार भवन में हूं। यहां लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसकी जागरूकता के लिए पंचायत मुखिया के द्वारा एक बैठक किया गया है। तो आइए इस संदर्भ में मैं जानकारी लेता हूँ मुखिया जी से, इन्होंने किस किस बिंदु पर जानकारी दिया है या क्या पंचायत ग्रामीण जनता को क्या जानकारी सूचना दी गई है, तो इसके संबंध में मैं मुखिया जी से मिलता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा, अपना परिचय। हमारा गांव ग्राम पंचायत संदेश प्रधान मुखिया मनोज सिंह, मेरा नाम जी। जैसा कि पता चला है कल शाम रात्रि में आपके यहाँ कुछ स्वच्छता को लेकर बैठक की गई, क्या बैठक हुआ है इसके संदर्भ में हमारे पास? देखिए, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कुछ पंचायतें चुनी गई है, जिसमें हम लोगों को हमारे पंचायत को चुना गया है। संदेश प्रखंड में करीब 9 पंचायत को चयनित किया गया है स्वच्छता के लिए, ताकि इसे स्वच्छ बनाया जा सके भारत सरकार के द्वारा। तो हम लोगों ने मतलब हर जगह पे जितने भी मतलब हरिजन बस्ती है या अपने समाज है, उसको हम लोग अभी जागरूक करने के लिए एक चौपाल के रूप में हम लोग चौपाल रखा रहे हैं। मतलब सभी लोगों को ये बताया जा सके कि मतलब स्वच्छता ही सबसे बड़ी अनिवार्यता है जी। तो कल के बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ आपके ये ग्रामीण जनता के? सबसे पहले बताया गया सभी लोग स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद जो शौच की प्रक्रिया है, जैसे कि हम लोग देहात में जितने भी लोग पहले जाते थे, शुरू में तो सभी लोग लोटा लेके बाहर मैदान में ही जाते थे, लेकिन धीरे धीरे शौचालय का आयोजन किया गया, शौचालय बनवाई गई। शौचालय बनवाने के बाद सभी लोगों को ये बताया गया कि नहीं, आप लोगों को शौचालय में जाना है। उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी जो हैं बाहर में ही शौच जाते हैं। उन लोगों को हम लोग समझाए कि नहीं, शौच जो भी करना है सामूहिक शौचालय भी हम लोग बनवाएंगे, शौच बाहर ना करने की सलाह देते हैं। आपके पंचायत में सभी घरों में शौचालय बन गया है क्या? लगभग लगभग बन गया है। जिन लोगों को नहीं बना है उन लोगों को हम लोग चयनित करके उनका बनवा रहे हैं जिनके पास जगह है, नहीं तो सामूहिक शौचालय भी बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए जगह भी चयनित कर रहे हैं और बनवा भी रहे हैं। कितना शौचालय बना होगा आपके यहाँ, कितना सामुदायिक शौचालय बना है इसके संबंध में? देखिए, सामूहिक शौचालय भी अभी लगभग 300 बना है। हमारे गांव का बात कर रहे हैं, पंचायत पे नहीं, अभी अपने गांव जहां हम लोग चौपाल किए उसके बारे में बता रहा हूँ। सामूहिक शौचालय है, लेकिन उसके बावजूद भी जगह नहीं होने के कारण हर दिन सब लोग घर के सिवाय शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं है। उसके लिए हम लोग सामूहिक शौचालय जगह सरकारी जमीन जो है उसको लेकर के, या प्राइवेट भी है तो उसको एनओसी लेके उनसे अनुमति लेकर के पर बनाए जाते हैं। ये उन लोगों को बताया गया कि जो भी इच्छुक लोग हैं, जहाँ है इस तरह की दिक्कत है, संख्या ज़्यादा है, शौचालय की संख्या कम है, तो हम लोग सामूहिक शौचालय बनवाएंगे मेरे हिसाब से काफ़ी। और हम लोग अब स्वच्छता में भी है कि हम लोगों को शौचालय सामूहिक रूप से बनाना है। पर्सनल शौचालय जी, हाँ, पर्सनल शौचालय के भी अभी जो है जो बनवाना चाहते हैं उनको भी ये लाभ दी जा रही है शौचालय बनाने के लिए, 12,000 रुपया सरकार से दी जाती है। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत और कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके लिए आप चौपाल में जिसकी जानकारी दी? सभी लोगों को ये बताया गया कि सरकार की तरफ से नीला और हरा डब्बा दिया जाएगा हर घर में, हर दरवाजे पे, ताकि वो सूखा कचरा और गीला कचरा उस डिब्बे में ला करके डाल देंगे सुबह में, और उसके बाद एक कचरा डंपिंग के लिए भी जगह बनाई जा रही है, वो ला करके वहाँ साइकिल से या ई रिक्शा के माध्यम से वहाँ गिरा देंगे, ये भी बताया गया। उसके बाद नाली का जो नली का पानी है जो इधर उधर बह जाती है, बहुत सारे जगह पे गंदगी लग जाती है पानी के कारण, कीचड़ हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग सोखता का निर्माण कर रहे हैं। सोखता का निर्माण इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ का जल बहुत ज़्यादा लंबा दूरी तय न करना पड़े जल को, और जमीन के अंदर सोख। ग्रामीण जनता को क्या संदेश दिया गया विस्तार से? देखिए, सबसे पहले कि चौपाल लगाया गया, सभी लोगों के लिए प्रेम से रहना है, जो भी ये स्वच्छता के मिशन चल रहा है उसमें सभी लोग सहयोग करें। एक आदमी कर्मी के द्वारा या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा चाहिएगा कि ये समाज साफ सुथरा हो जाए, यहाँ का गली नाली कचरा न लगे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा।
इसलिए हम लोग मतलब कि वहाँ बताया गया कि सब लोग इसमें साथ दीजिए ताकि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया जाए। आप अपने पंचायत में सर ये नल जल की स्थिति आपके यहाँ क्या है, नल जल की स्थिति से? देखिए नल जल की जो संरचनाएं हर जगह हमारे वार्ड में हुई है, लेकिन बहुत सारे वार्ड में अभी नल जल जो है बहुत कम वार्ड में मतलब कि बंद है। हमारे पंचायत में लगभग सभी नल जल चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि उसमें जो शुरू से जो वेंडर चुने गए हैं या जो कुछ भी जो काम करने वाले लोग हैं सभी तरीके से उसको नहीं यूज कर पाए हैं, और हम लोग ये कर रहे हैं कि इसका जो है फाइनली इसको सही रूप से चलाया जाए, हर जगह पे पानी पहुंचाए जी। एक चीज बताइए सर कि ये नल जल का काम तो बहुत पहले हुआ है, आप अभी बता रहे हैं कि केवल संरचना तैयार किया गया है, तो संरचना तो पानी देगा नहीं, तो पब्लिक को नियमित रूप से पानी कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ जो भी कार्य होता है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, आदमी के द्वारा ही किया जाता है, तो नल जल का संरचना भी हम लोग तैयार किए हैं, सरकार ने उसमें फंडिंग कर दी और हम लोग उसको संरचना तैयार करके उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। कहीं कहीं ऐसा गड़बड़ी हुई है कि उसको चलाने वाले लोग उस ढंग के नहीं मिल पाए हैं तो नहीं चल पाई है, लेकिन संरचना तैयार है और बहुत सारे घर में भी नल जोड़ दिए गए हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कमियाँ हैं जिसे कि हम लोग दूर करें। जैसा कि पता चलता है कि आपके वार्ड में कुछ पहले के पूर्व वार्ड सदस्य हैं जो कि वर्तमान वार्ड सदस्यों को नल जल से संबंधित या किसी योजना से संबंधित चार्ज नहीं दे पाए, इसके संबंध में क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो चार्ज दिए या नहीं दिए या दिए या नहीं दिए, उसमें दोनों पक्ष की कमी होती है। पहले जो वार्ड थे उनका पूर्ण काम नहीं हुआ, उसका अभी तक एम भी नहीं हुआ। हम सभी लोगों को सूचना भी दिया, मुख्य क्रिएटर भी दिया है कि इसका एम भी कराया जाए, उसके बाद ही हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो पाए। एम भी नहीं होने का क्या कारण? देखिए एम भी नहीं होने के कारण ये है कि बिजली का कमी है, सरकार की कमी है, लगाने द्वारा है, इस वार्ड सदस्य की कमी है, जिसको कमी मानिए जो एम भी होता है पूर्व में जो कार्य किया गया उसका हिसाब किताब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इस आजकल न्यूज़। नमस्कार।